दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग कंपनी, इसके बारे में, इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों ITI लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों एक टेलीकॉम कंपनी है जो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज आ रखी हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बाकी अगर आप इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो दोस्तों, तो आप जो है quicktechnique.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जॉब लोकेशन आपका रहेगा वो बेंगलुरु में रहेगा। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे सुपरवाइजर की पोस्ट, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कि क्या दिया गया है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट आई हुई है, जहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए दोस्तों 6 वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट। देन दोस्तों इंस्पेक्टर टेस्टर के लिए जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे 12 वैकेंसी आई हैं, जहाँ पे दोस्तों ITI के फिटर वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी कितना रखा गया है। यहाँ पे जो है सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी की देखेंगे यहाँ पे तो 18,996। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बाकी चीज़ जोड़ के यहाँ पे जो आपका ग्रॉस पे वगैरह बनेगा वो देख सकते हैं, लगभग आपका 35,000 तक यहाँ पे ग्रॉस पे बनेगा। और यहाँ पे जो है ग्रुप सी, जो कैटेगरी सी वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है इस यहाँ पर इतनी प्रकार सैलरी मिलेगी। और जो ग्रुप ई वाले हैं दोस्तों उनको जो बेसिक मिनिमम सैलरी है, मंथली ग्रॉस सैलरी है, वो 20,700 मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका 4200 तक का जो है सैलरी, जो है 4200 तक जो है सैलरी बन सकता है। देन दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है उसमें जो है 28 साल के एज लिमिट रखा गया है। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आपका मिनिमम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2021 रखी गई है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया हूँ, तो आप जो है वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके का फॉर्म है। इसके बाद प्रिंटआउट लेके दोस्तों आपको करना क्या है, इस एड्रेस पे जो है सेंड कर देना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 10th जो भी मार्कशीट है, डिप्लोमा की मार्कशीट है, वो सारी चीज़ अटैच करके इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। तो एड्रेस में सेंड करने की 22 जुलाई जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं आपको लिंक दिया हूँ, तो आपको करना क्या है, लिंक को क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, टेस्टर, ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख लीजिए इसका डेट जो है, इसकी क्लोजिंग डेट भी दे रखा है। अब आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे तो इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे जो है आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि आप पहले से रेडी करके रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको प्रोसीड का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पूरा मतलब जो भी चीज़ें इसमें पूछेगी, जैसे कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना पोस्ट जो है मेंशन कीजिए। मान लीजिए आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप अपने सुपरवाइजर के लिए, देन अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो नहीं यस कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। अपना नाम, देन दोस्तों यहाँ पे आप फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं, ये मतलब जो भी यहाँ पे डाटा पूछा गया है आप उसको फिलअप कर दीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक तरह से जिस तरह का फॉर्म होता है उसी तरह का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं जानते हैं। जो स्टार लगा हुआ है दोस्तों उसको आपको जरूर से ज़रूर फिलअप करना है, बाकी जो जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अपना ITI डिप्लोमा की मार्कशीट वगैरह अटैच करेंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन, कोर्स वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह सारी चीज़ देंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद दोस्तों आप अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपना फ़ोटो और आपका सिग्नेचर जो अपलोड होगा। इसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड ऑप्शन आ रहा है उसको डाल देंगे, और यहाँ पे सबमिट का जो बटन है ये इसको आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार जो है आप पूरा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप फिलअप कर लीजिए। इसके बाद इसका प्रिंटआउट लेके दोस्तों आपको सेंड कर देना है। तो सेंड करने का एड्रेस मैंने जो है आपको दिखा दिया है, आपको उसी एड्रेस पे सेंड करना है। तो 22 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। तो इस प्रकार जो है आप ये सारी चीज़ें यहाँ से पा सकते हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।